दो प्रकार की साधना होती है, एक होती है सकाम साधना, एक होती है निष्काम साधना। क्योंकि हमारा देश में ये बहुत ज्ञान, तंत्र साधना, मंत्र साधना, बहुत ही गहरा ज्ञान ये छुपा हुआ है। सकाम साधना में क्या हुआ, कोई आके बोलता है बाबा जी मेरी ट्रांसफर यहां नहीं होनी, मेरी ट्रांसफर दूसरी जगह करवा दो आप, मैं आ रहा हूं मिलने आपसे। मैं कहता हूं तुम साधना कर रहे हो कि बाबा जी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आप ये काम तो मेरा करवाओ, या आप कोई मंत्र दे दो, मंत्र दे दो मेरी ये ट्रांसफर रुक जाए, और मंत्र दे दो मेरी ट्रांसफर उस शहर में हो जाए। ये हो गई सकाम साधना। अगर मान लो मैंने मंत्र दे दिया, लो भाई मंत्र जपो, तो वो जब मंत्र जप रहा है, मंत्र जपते जपते जिस दिन उसकी ट्रांसफर रुक गई और उसको वहां ट्रांसफर मिल गई, उसकी साधना का फल जीरो हो गया। भगवान ने कहा तुमने पेमेंट दे दी, तुम्हारे को सामान मिला, खत्म, रसीद पर्ची कट जाएगी, वैट शैट भी लग जाएगा। ये हो गई सकाम साधना। इसमें एक बात समझो, किसी को शरीर पूरी तरह से स्वस्थ चाहिए, किसी को संपन्नता चाहिए, किसी को ऊंचा पद चाहिए। अगर वो सकाम साधना करता है तो पहले तो ये समझे कि ये जो प्राप्त वो करना चाह रहा था वो क्यों नहीं कर रहा था। अगर परिवार में अशांति है तो वो क्यों थी, अगर जीवन में असफलता है तो क्यों थी, अगर शरीर में स्वस्थ नहीं है तो वो क्यों नहीं है। उसका कारण है कि जीवन में जो भी घटना घटती है वो प्रारब्ध भोग के अनुसार होती, अनुरूप होती। जो भी कर्म हम करते हैं, संचित कर्म, उसको जब रिलीज करना है तो दो ही प्रकार से रिलीज होता है संचित कर्म। एक तो प्रारब्ध भोग बन के जीवन में आ गया और रिलीज हो गया, दूसरा तपश्चर्या के द्वारा आप उन संचित कर्म को जला देते हैं। कौन सी तपश्चर्या? तपश्चर्या निष्काम होगी, सकाम नहीं हो सकती। और जब आपने सकाम मंत्र का प्रयोग शुरू किया तो कर्म वैसा ही बना रहा, कर्म वैसा ही बना रहा। आपके भाग्य में, भविष्य में अगर कुछ फायदा है तो वो ट्रांसफर होके आपके प्रेजेंट, और आपके प्रेजेंट की जो मुसीबत है वो ट्रांसफर होके भविष्य में चली जाएगी। जैसे बैंक का लोन है तो एक तरीका तो यही है ना कि बैंक का लोन चुका दो, मुक्त हो गए। अब बैंक का लोन चुकाना नहीं है और बैंक ने ऑर्डर दे दिया भाई तुम्हारा ये सामान मैं ले जाऊंगा, तो तुम फिर दूसरा तरीका ढूंढते हो, जान पहचान, प्रेशर डलवाते हो। तो उस प्रेशर में क्या करते हैं कि तुम्हारा भाई जो आज का लोन है अभी इनको 3 साल का पीरियड और दे दिया जाए, अभी इनको माफ कर दिया जाए, तो वो ट्रांसफर हो गया। लेकिन ट्रांसफर होने पे ब्याज चल रहा है, ब्याज से नहीं बचे, और 3 साल बाद बैंक फिर आधमकेगा तुम्हारे से लेने के लिए, और तुम्हें थोड़ा पैसा और चाहिए लगाने के लिए, तो वो सिफारिश लगा देता भाई और एक्स्ट्रा लोन दे दो, तो वो एक्स्ट्रा लोन भी सिर पे चढ़ा है। ये है सकाम साधना, मुक्त नहीं हुए। और निष्काम साधना जब करते हो, शिव योग निष्काम साधना है, कर्म कटता है। तो जब कर्म कटता है तो वो कर्म जो कष्ट देने के लिए बैठा है, वो कर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।